नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है अपना जय महाराष्ट्र वाशिंग सेंटर चैनल में। एक और ऑर्डर आ रहा है हमारे पास में जो अमरावती से है, तो उनको चाहिए था सिरेमिक एसटीपी पंप चाहिए था, तो आप लोग को भी दिखा देता और भाई को भी देखना था। तो मैं आपको पता है कि जब भी कुछ प्रोडक्ट बेचता हूँ तो उसका वीडियो आप लोगों को पहले जाता है, तो देख सकते हैं अपने पास में सिरेमिक एसटीपी पंप है, क्वालिटी भी बेस्ट है इसका। ये रहा इसका सिरेमिक में पिस्टन में, और इसमें ग्रीस डालने का कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं, इसमें डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, और इससे आप ग्रीस से डालने का आपका छुटकारा हो जाता है। और इसमें खास ये बात है कि जैसे नॉर्मल एसटीपी पंप लगाते हैं, तो नॉर्मल एसटीपी पंप में क्या है जो ग्रीस वाला रहता है, तो इसमें देखिए इस तरह से लाइनिंग आ जाता है। इस तरह से लाइनिंग आने के कारण में जो अंदर का जो ये जो है ओरिंग वो बार बार इसमें से चला जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, जितने बार आप जब लीकेज होने लग गया ना, तो समझ लेना आप कितने बार भी ओरिंग डालिए जो पानी आपका लीकेज करता ही रहेगा, क्योंकि एक बार इसमें लाइनिंग आ गया ना, तो आप कितना बार भी ओरिंग डाल के काम चलाने का कोशिश कीजिए तो वो आपका ओरिंग जाना ही जाना है। तो इसमें ये खास कारण ये है कि सिरेमिक एसटीपी पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी नए बंदे हैं जो पंप लगाना चाह रहे हैं, ऐसे वाशिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, जिनका बजट प्लेंजर पंप लगाना नहीं, तो वो सिरेमिक एसटीपी पंप ही लगाइए जो बिना ग्रीस का रहेगा, आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं देगा। जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे काम चालू हो गया उसी में इसका ओरिंग कट जाता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है, तो इसमें ऐसा होगा नहीं आप लोगों को, इसमें ग्रीस भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्वालिटी ज़बरदस्त है। पंप आपको सब मार्केट में मिलेंगे, पर हमारे पास जो क्वालिटी आती है वो मैं सब ऐसा क्वालिटी का सामान देता हूँ कि सब लोगों को आपको बाद में कोई दिक्कत आए ना। तो देख सकते हैं इसका अनलोडर भी कितना ज़बरदस्त क्वालिटी का आता है, इसमें सब अलग अलग क्वालिटी रहता है। इसमें देख सकते हैं न्यू पेटी पैक, उसी के साथ में भाई को जा रहा है एक पुल्ली हो गया, और एक उनको मोटर का भी पुल्ली चाहिए था, वो बोले सर मेरे पास मोटर का पुल्ली नहीं है, तो ये देख सकते हैं उनके लिए मोटर का पुल्ली भी इधर से दे रहा हूँ, ये बहुत दिन से रखा था तो थोड़ा सा साफ नहीं किया तो वैसे रख दिया था मैंने। तो ये इसका फिल्टर हो गया, जो इसके अंदर जो रिपेयर किट है, जो भी बाकी का सामान है इसमें है, जो आपको बाद में भविष्य में जाके कुछ आपका ओरिंग वगैरह कट होता है तो उसके लिए इसमें सब ओरिंग किट है, जो पुल्ली का लगने वाला चाबी, और जो इसमें जो भी पंप नया लगाते हैं तो ये जो ग्रीन कलर का है, मैं सब वीडियो में बताता हूँ, ग्रीन कलर का वाइसर लगाना मत भूलिए इसमें, ठीक है। उसी के साथ में एक सेक्शन पाइप, एक रिटर्न पाइप, और भाई का अच्छा क्वालिटी का 7 मीटर का जो हाइड्रोलिक पाइप मैं देता हूँ। जैसे बहुत जन को बोलता हूँ, सब कोई बोलते हैं कि नहीं मेरे को येलो पाइप चाहिए, तो मैं बोलता हूँ जब आप ये कर रहे हो कार वॉशिंग का तो हाइड्रोलिक पाइप लगाइए, एकदम बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों को। और इसमें खास एक बात ये रहती है कि जो सिरेमिक पिस्टन रहते, जो नॉर्मल पिस्टन रहते, तो इसमें जो कुछ दिन के बाद में इसमें होल हो जाता है, यानी पानी का प्रेशर दे दे के इसमें होल हो जाता है। तो ये ऑलरेडी कंपनी का है, इसको मत आप मत ये कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये दूसरा जो आते हैं नॉर्मल वाले पंप, तो उसमें इसमें होल हो जाता है, तो उसके कारण इसमें पंप में ऑयल और पानी मिक्स हो जाता है, तो ये कारण होता है उसमें पिस्टन में एकदम नॉर्मल सा लीकेज रहेगा, आप लोगों को दिखाई नहीं देता, एकदम सुई के मापित भी उसमें से छेद हो गया तो समझ लेना आपका ऑयल पानी मिक्स होना चालू हो गया। तो इसमें आपको सिरेमिक में ये प्रॉब्लम आता है कि आपको कभी भी लाइफ टाइम में पिस्टन भी नहीं जाएगा और ऑयल पानी कभी भी आपका मिक्स नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें खास बात है, आप मेरे से लीजिए या मत लीजिए, पर आप जो नए बंदे जो अभी जूना अभी जो नए स्टार्टअप किया उनको पता है, कोई जन को पता है सिरेमिक क्या है, और जिनको नहीं पता है तो उनमें उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा इसमें खास आता है कि आपको पिस्टन में कोई प्रॉब्लम आता ना, इसमें पिस्टन बहुत अच्छे रहते हैं इसमें, और जल्दी इसका जल्दी से ऑयल सील किट है, जो पिस्टन का जो किट है वो जल्दी जाता नहीं, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। अभी तक मैंने जिन भाइयों को दिया है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का दिया, आपको मैं ऐसा प्रोडक्ट देने की कोशिश करता कि मेरे सर पे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आप बार बार फ़ोन लगाते सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मैं आपके फ़ोन रिसीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अपना अभी तुमको पता है कि सर्विस सेंटर चलता है, काम अपना खुद का है ना, तो अभी इतना तो मेरे को मालूम हो गया कि कौन सा पंप कितना देर तक काम करेगा, इतनी तो मैं ज़रूर जानकारी रखता हूँ
कि इतना भी 5 साल के आसपास में भी मेरा सर्विस स्टेशन चालू हो गया है, तो उतना तो मैं जानकारी रखता हूँ। बहुत सारे जन है कि सर ये लीजिए वो लीजिए, जिनका जैसा बजट होगा वैसा आप काम कीजिए, और कर्जे मत ले लीजिए, ज़्यादा कर्जे मत लीजिए, थोड़ा सा ही कर्जा लीजिए कि आप उसको उतार सके। भाई लोग क्या करते थे, नहीं नहीं मैं ऐसा सेटअप लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, ऐसा कर्जा लूंगा, फिर उसमें बहुत भारी दिक्कत हो जाती है। इस पर आप बनाएंगे वीडियो कि आपको बिजनेस कैसा करना है, क्या करना है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मेरे को जैसे वक्त मिलता है मैं आप लोगों को अच्छी ये मशीन के साथ में अच्छी अच्छी मैं आप लोगों को चीज़ें भी बताता हूँ कि बिजनेस में क्या क्या ज़रूरी है, कैसा दिमाग से ठंडे दिमाग से काम लेना ज़रूरी है। जैसे बागड़ बिल्ले तो बहुत भोगते हैं, उसके उसमें टेंशन लेने का नहीं, तो ऐसे बहुत सारे आपके सामने कंपटीशन भी बहुत सारे रहते हैं आपके बाजू में, आपको भी सामने जैसे उसने 50 रुपये रख दिया गाड़ी धोने का, तो आप बोलते हैं मैं 40 में ही देता हूँ, तो नुकसान आप ही लोगों का होता है। तो ये टॉपिक पे अपन बोलेंगे अगले टाइम में, क्योंकि अभी मेरे को भाई को भेजना है, ये अमरावती से है, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे देखा था, यूट्यूब से मेरे को देखा था कि सर ऐसे ऐसे, मैं बोला आप बिंदास लगाइए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देख सकते हैं पूरा ऐसा सेटअप जा रहा है, अभी मैं पैक करता हूँ, इनको भेजता हूँ, और जो भी कुरियर का चार्ज रहता है वो आप ही लोगों का रहता है, मेरा जब तक आपका फुल पेमेंट नहीं होता उसी के बाद ही आपका सामान जाएगा, ये लोग याद रखिए आप लोग। चलो भाइयों, जय महाराष्ट्र।